हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विनाश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ने 4 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया। गोल्ड टेस्ट मैच में मुकाबला खेला गया था, चौथी पारी में पाकिस्तान को 342 रन का टारगेट मिला था, जिससे अब्दुल्ला शफीक की शानदार बल्लेबाजी के दम पे पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक चीज हासिल किया है। और इस जीत के साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे हो गया है। अब्दुल्ला शफीक की जितनी तारीफ की जाए कम है और दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं जिसे गिनवा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल में अब्दुल्ला शफीक दुनिया के टेस्ट क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने क्रीज पर 500 से ज्यादा मिनट का समय बिताया है और कामयाबी उसमें हासिल की है। मतलब सक्सेसफुल रन चेज में सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की चौथी पारी में किसी ने बिताया है तो वह अब्दुल्ला शफीक। 524 मिनट तक जो है वो क्रीज पर टिके रहे और अपनी टीम को जीत दिलाई। 160 रन की नाबाद पारी खेली, बैट कैरी किया थ्रू आउट द इनिंग्स, मतलब ओपनिंग गए और नाबाद होकर पवेलियन वापस लौटे। 408 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा बाबर आजम ने 55 रन की पारी खेली, मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए, वहीं मोहम्मद रवाज जो है 19 रन की पारी खेली, उन्होंने नाबाद पारी खेली। और इस तरीके से जो है पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक जीत गाले क्रिकेट स्टेडियम में हासिल कर लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ। धन्यवाद।